माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विलियम अर्नेस्ट हेनली की विश्व विख्यात कविता इनविक्टस यानी अपराजेय, जो कभी हार न माने, इस कविता पर बातें करेंगे। विलियम अर्नेस्ट हेनली की इस कविता के बारे में कहते हैं कि यह वह कविता है जिसने 27 वर्ष लंबी अंधेरी कैदगाह में नेल्सन मंडेला की आत्मा को रोशन बनाए रखा था। यह दूर टिमटिमाते उस तारे की तरह थी जिसे देखते हुए कोई ठिठुरते हुए अपनी लंबी सर्द रातें गुजार लेता है। कविताओं के बारे में कितनी ही बार ऐसा देखने को मिला है कि वे कालजयी हो जाती हैं और लोगों, राष्ट्रों और पूरी दुनिया को प्रेरित करने का काम करती हैं। इनविक्टस ऐसी ही एक कविता है जिसे अंग्रेज कवि विलियम अर्नेस्ट हेनली ने 1875 में लिखा था और यह पहली बार उनके संग्रह में 1888 में प्रकाशित हुई थी। इनविक्टस का अर्थ होता है अपराजेय, यानी जिसे जीता न जा सके। नेल्सन मंडेला ने 27 साल के अपने कारावास के दौरान एक पर्ची पर इस कविता को लिखकर अपने पास सहेजे रखा था। यह कविता कैदगाह के अंधेरे में उनकी आत्मा की रोशनी बनकर दमकती रही। मंडेला के मुताबिक यही कविता थी जिसने उन्हें इतने लंबे कारावास के दौरान जिंदा रहने का साहस दिया। वे इस कविता को जेल के साथी कैदियों को सुनाया करते थे। इनविक्टस के बारे में बर्मा के नेता आंग सान सू की ने भी लिखा है, इस कविता ने मेरे पिता को और उनके समकालीनों को आज़ादी के संघर्ष में प्रेरणा दी है और दुनिया भर में अलग अलग वक्त पर इसने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है। करीब 150 साल पहले लिखी गई इस कविता की प्रासंगिकता का पता इस बात से लगता है कि 2009 में नेल्सन मंडेला के ऊपर क्लाइंट ईस्टवुड की बनाई फिल्म का नाम भी इनविक्टस रखा गया था। यह कविता आज भी अंधेरों से गुजर रहे लोगों और मुल्कों के लिए प्रासंगिक है और जब तक दुनिया में दमन और अन्याय की ताकत राज करेगी तब तक यह कविता भी प्रासंगिक बनी रहेगी। तो लीजिए, आप भी इस कविता को सुने और इसे अपने मन के भीतर सहेज कर रख लें ताकि जिंदगी के अंधेरों से गुजरते हुए आप भी कभी हार न माने। इनविक्टस, अपराजेय। उस रात के भीतर से जो मुझे ढांपे हुए है, धरती के सिरों के बीच फैली सुरंग जैसी गुप्त अंधेरी, मैं अपनी अपराजेय आत्मा के लिए हर ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। हालात के सिकंजे में कैद मैंने हार नहीं मानी, न मैं जोर से रोया, तकदीर की मार खाकर मेरा सिर लहू लुहान है पर झुका हुआ नहीं। दर्द और आंसुओं की इस जगह के पार मौत के गहराते साए घिरते आते हैं, लेकिन फिर भी बरसों की यंत्रणाएं मुझे डरा न सकी और कभी डरा पाएंगी भी नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दरवाजा कितना संकरा है, मेरे लिए तय हैं कितनी सजाएं, मैं हूं अपनी तकदीर का मालिक, मैं हूं अपनी आत्मा का महानायक। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए माइंडफिट चैनल पर जरूर आएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।